आपके पास पोको एक्स फाइव प्रो स्मार्टफोन है, उसमें आप कॉल रिकॉर्डिंग की सेटिंग को करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं? देखो, आपको उसमें गूगल का डायलर का देखने के लिए सपोर्ट मिल रहा होगा। ये देख सकते हैं, गूगल का डायलर है, ये देख पा रहे हैं। तो देखो, गूगल के डायलर के अंदर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग करने के लिए आप यहाँ थ्री डॉट पे टैप करेंगे और यहाँ पे सेटिंग पे टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। ये देख सकते हैं कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, ये देखो मिल जाएगा। तो यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको देखो, ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट नंबर और ये लिखा हुआ नंबर नॉट इज योर कॉन्टैक्ट, तो इसे आपको यहाँ से क्या करना है, ऑलवेज रिकॉर्ड। ये देख सकते हैं कॉल रिकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ऑन कर ली है और यहाँ पे इसे भी यहाँ से ऑन कर दीजिए, ठीक है। ये देख सकते हैं, ठीक है, ये दो ऑप्शन यहाँ से आप ऑन करेंगे, फिर आप यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग करेंगे, कॉल रिकॉर्डिंग हो जाएगी। तो जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं नंबर डाल करता हूँ ये वाला, ठीक है। जैसे कि मैंने नंबर यहाँ पे डाल कर दिया है और यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, ठीक है। इसमें लेकिन यहाँ पे अनाउंसमेंट आ रही है, ठीक है, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं स्टॉप कॉल रिकॉर्डिंग, ये देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से मैंने कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ बताऊँगा आपको, अभी रुको। तो जैसे कि ये देख सकते हैं 198 यहाँ शो हो रहा है, तो जैसे कि उस नंबर पे आप टैप करेंगे उसका, यहाँ पे आप सीधा यहाँ पे सीधा रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं और यहाँ से इस तरीके से हिस्ट्री के अंदर जाके लिसन टू रिकॉर्डिंग से सीधा सुन सकते हैं और यहाँ पे कहीं पर भी यहाँ पे जाके इसे आप सेव कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी फाइल के अंदर। अब यहाँ पे विदाउट कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं अनाउंसमेंट के, तो वो आप कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए आपको अपने फ़ोन के प्ले स्टोर के अंदर एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी होगी जिसका नाम है, यहाँ पे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं डालता हूँ TT करके डाल दीजिए, ठीक है, इस तरीके से TTSLEX, ये वाली एप्लीकेशन। तो इस एप्लीकेशन को आपको देखो क्या करना है, यहाँ से आप सबसे पहले इसे इंस्टॉल कर लीजिए, मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। जैसे आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे, अब यहाँ से आप बैक जाएंगे, अब यहाँ पे आपको अपनी मोबाइल की सेटिंग में जाना है, ठीक है। देखो, पोको एक्स फाइव प्रो की सेटिंग में जाना है और यहाँ पे आपको डालना है TEX, इस तरीके से टेक्स्ट टू स्पीच डालना है, इस पर आपको टैप करना है, फिर यहाँ पे आपको शो हो जाएगी, फिर यहाँ पे ये नज़र आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं, यहाँ सेटिंग का आइकन पे आपको क्लिक नहीं करना है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा इस तरीके से स्पीच सर्विस बाय गूगल, इस पर आपको टैप करना है और यहाँ से आपको TTSL जो अभी आपने डाउनलोड किया उसे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको ओके कर देना है। जैसे आप यहाँ पे ओके करेंगे और यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे आपको फिर से कॉल रिकॉर्डिंग करनी है, ठीक है। चलिए मैं करता हूँ वहाँ पे क्लिक करके, ये देख सकते हैं बिल्कुल भी यहाँ पे अनाउंसमेंट आना बंद हो गई है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस तरीके से आपको कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी कॉल रिकॉर्डिंग फिर भी यहाँ पे अनाउंसमेंट आ रही है, तो आप अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ करके ऑन कीजिए और आपकी प्रॉब्लम है अनाउंसमेंट वाली वो फिक्स हो जाएगी, ठीक है। और दोस्तों, एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, अगर आप कोई अदर कुछ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो अनाउंसमेंट आपको सुना ही देगी, ठीक है, वो बंद नहीं हो सकती है। तो आपको कुछ टाइम वेट करना है, ये जल्दी अपडेट आपको देखने के मिल जाएगा। पोको जितने भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन में ये गूगल का डायलर है वो हटा दिया जाएगा कुछ समय बाद, ठीक है, क्योंकि कंपनियाँ इसमें ज़्यादा जोर दे रही हैं।